ये नया वाला डिस्पेड गाड़ी का कितना मोटा मोटा है देखिए, और पुराना वाला को देखिए पूरा ख़त्म हो चुका है, लोहा तक घिस चुका है, इतना ज़्यादा मतलब घिसा हुआ है। और हम आपको दिखाते हैं गाड़ी में जैसे लग रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और मैं अभी ड्यूटी में आया और गाड़ी वाड़ी साफ़ करके खड़ा हूँ। मुझे अभी एक जगह जाने का, मतलब बहुत दूर जाने का अभी प्रोग्राम मिल चुका है। तो हम बैग कुछ नहीं लाए हैं, अभी जाएंगे, ड्रेस वूस चेंज करेंगे और बैग लेके आएंगे, क्योंकि शायद एक दो दिन वहाँ रुकना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा जाने मन भी नहीं कर रहा है, इतना धूप पड़ रहा है, फिर भी जाना तो पड़ेगा क्योंकि ड्यूटी है, करना पड़ेगा। क्योंकि ये गाड़ी ना ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मतलब सर्विस का ज़रूरत है इसको, तो इसको सर्विस कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सा काम है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो इसको हम सर्विस के लिए लेके जाएंगे और उसका साथ में मेरा मालिक भी साथ में जाएगा, तो उसको उनको भी हम साथ में लेके जाएंगे। तो लेट नहीं करते हैं, फटाफट जाते हैं, ड्रेस व्रेस चेंज करके आते हैं और चले गए। और दोस्तों सॉरी, मैं आपको रास्ता का नज़ारा ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि साथ में रहेंगे बॉस, तो मैं मोबाइल ऑपरेट नहीं कर सकता। वहाँ थोड़ा पहुँचने के बाद में, कुछ दूर का बाद में मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने साथ में रहेंगे ना तो मोबाइल नहीं होगा चलाने। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, चलते हैं। उसके बाद में कौन सा गाड़ी लेके जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं हम रास्ते में आपको जहाँ पहुँचने टाइम में बताते हुए जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे। और मेरा वीडियो सब देखते हैं, लाइक करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों। एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा और बताइएगा कि मेरा वीडियो सब आपको कैसा लगता है। तो चलिए चलते हैं सर्विस कराने, थोड़ा दूर, बहुत दूर। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम कटक पहुंच चुके हैं और हम कटक ही आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर आगे जाके मेरा गाड़ी का शोरूम है जहां मैं गाड़ी बनाने जा रहा हूं। तो अभी ब्रिज में हूं और इधर बहुत ही भीड़ रहता है, आप लोग देख सकते होंगे, ये ब्रिज का नज़ारा है। और मैं अपना लाइन पे ही जा रहा हूँ, इधर उधर नहीं कर रहा हूँ, आराम से जा रहा हूँ। बिल्डिंग इमारतें सब बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़ा बड़ा। और हम रास्ते में हैं, पहुँच के आपको दिखाते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और वो जगह का नाम क्या है और क्या करने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा। आपको पता है गाड़ी बनाने के लिए, लेकिन कौन सा गाड़ी बनाने जा रहा हूँ और कहाँ पर है वो जगह, हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। महानदी ब्रिज, कटक महानदी। दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं और पूरा सामने आ गई है, पूरा सामने, पूरा नजदीक, आपको हम क्या बताएं। देखिए मैं कौन सा गाड़ी लेके आया हूँ, ये देखिए, ये लोगो देख के जान रहे होंगे, और इधर भी बहुत बड़ा सा लोगो, देखिए पहुंच गए हैं, देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों गाड़ी को अंदर लेके चलते हैं, फिर बनाते हैं गाड़ी, देख रहे हैं, मर्सिडीज बेंज, अंदर चलेंगे फिर हम आपको दिखाते हैं। सिक्योरिटी गेट खोल रहा है, ये देखिए दोस्तों अंदर बहुत सारा गाड़ी है, हम आपको दिखाएंगे, ये देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों हम आ गए अंदर और एक से एक गाड़ी, मर्सिडीज का एक से एक गाड़ी दिखेगा आपको, सर्विस वाला भी, नया वाला भी। और मैं जाऊंगा इसका अंदर और सर्विस कराऊंगा, ये देख रहे हैं बहुत टेक्नीशियन सब लगा हुआ है। हम पहुंच गए हैं, ये देखिए अंदर ले आ गए हैं, ये देखिए दोस्तों, चलिए काम कराते हैं, बात करते हैं किसी से।
हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अब मेरे को बैठने के लिए रेस्टरूम भी मिल चुका है, आप देख सकते हैं इसमें सैनिटाइजर पानी बोतल सब कुछ है। तो मेरा गाड़ी को लगा दिया है, हम आपको थोड़ा देर में सब काम होगा तब हम दिखाएंगे आपको। चलिए वीडियो में बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे गाड़ी का काम क्या क्या होगा। मेरा गाड़ी अभी लिफ्ट में लगने वाला है और हम आपको दिखाएंगे लिफ्ट में लग चुका है, अभी उठेगा और काम होगा। तो कैसे काम होता है और कैसे लिफ्ट में लगता है हम आपको दिखाएंगे। चलिए हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते होंगे मेरा गाड़ी में ये प्रोजेक्टर लग चुका है और यहाँ सेंसर लगाया है और कहाँ पे काम कर रहा है हम चलिए हम आपको दिखाते हैं। नीचे से लग गया है और उसका मॉनिटर यहाँ हो रहा है। ये टेक्नीशियन जो है देखिए पकड़ के बैठा हुआ है, यहीं पे ऐसे काम कर रहा है। वहाँ क्या हो रहा है, क्या गाड़ी में फॉल्ट है सब यहाँ पता चलेगा और काम होगा। तो वीडियो में बने रहिए, हम आपको हर एक एक चीज़ दिखाएंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा चक्का जितना है खुल चुका है और मेरा डिस्क जो है देखिए कितना ज़्यादा घिस चुका है। सब डिस्क को हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। मेरा डिस्क पूरा घिस चुका है और ख़राब हो चुका है। यही डिस्क चेंज करने के लिए हम आए हैं। डिस्क और ब्रेक पैड जो है, इसमें ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है, तो ये चारों डिस्क हम चेंज करेंगे और इसका पैड साथ ही साथ चेंज करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको दिखाएंगे, ये जो राइट साइड लेफ्ट साइड का आगे वाला इतना ज़्यादा घिसा है, आप लोग देख सकते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरा ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा बाकी है, पूरा थोड़ा सा बाकी है, पूरा ख़त्म हो चुका है और थोड़ा तो टूटने वाला ही था, मतलब ऐसा कंडीशन में है। तो इसलिए इसको हमको ज़रूरी हो गया बनाने के लिए, इसलिए हम इसको लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों इसका अगला प्रोसेस देखते हैं और इसको अच्छा से नया लगाएंगे। शाम हो चुका है और गाड़ी बना नहीं, तो मैं अभी जाऊंगा बस में भुवनेश्वर को और वहां हम लोग का गेस्ट हाउस है, वहां रहूंगा। फिर सुबह फिर से आऊंगा यहीं पे, फिर गाड़ी बना के वापस लेके जाऊंगा। तो चलिए चलते हैं बस में, और आज तो काम नहीं हुआ, चलिए चलते हैं। रास्ता में चल रहे हैं, बस नहीं मिल रहा है और रास्ता में पूरा जा रहा है, गाड़ी सब आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कहीं कोई बस रुक जाए तो बस में चलेंगे, नहीं तो ऑटो वाला तो बहुत ज़्यादा लेगा, इसलिए बस का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे बस मिल चुका है और मैं बस में बैठ चुका हूँ, आप लोग देख सकते होंगे, और सबसे पीछे वाला सीट, कोना वाला सीट पकड़े हैं हम। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, और बहुत ही भूख लग रहा है क्योंकि टाइम भी हो गया, रात हो गया है। फिर से आ चुके हैं शोरूम में और मेरा गाड़ी काम हो रहा है, चलिए काम कराते हैं और बात करेंगे। ये देखिए मेरा पुराना वाला डिश और डिश प्लेट लगना स्टार्ट हो गया है और ये प्लेट लग गया है, ये वाला न्यू वाला है देखिए न्यू, और अभी पेड लगेगा, ये देखिए पेड लग रहा है। उसके बाद में आज मेरा गाड़ी में दो दो टेक्नीशियन है क्योंकि आज ये लोग को डिलीवरी देना है, क्योंकि फटाफट नहीं करेंगे तो ये लोग मेरे को डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, इसलिए फटाफट ये लोग काम कर रहे हैं, दो दो तीन तीन टेक्नीशियन लगा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरा लगने के बाद में हम लोग का डिस्प्ले दिखता कैसा है, कैसे हो जाता है, क्या क्या लगता है। देखिए एक तरफ का पूरा लग चुका है और इसमें डिस्क पेड लग रहा है, देखिए कितना नया दिख रहा है और कितना चौड़ा चौड़ा है देखिए। तो हम आपको पुराना वाला भी अभी आपको दिखाएंगे, नया में कितना बड़ा रहता है और पुराना में कैसा है, कितना मतलब कैसे घिस चुका है हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए ये पुराना वाला है, ये पुराना वाला दोस्तों इसका सेंसर भी ख़त्म हो चुका है, जितना रहना चाहिए वो भी नहीं है, पूरा ख़त्म हो गया है, उसका पिन उन सब घिस चुका है। और इसका नया वाला हम आपको दिखा दिए हैं, उसका थिकनेस हम आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए दोस्तों कितना चौड़ा है, मिनिमम 4 mm या 5 mm का थिकनेस है ये, और इसका राइट साइड में भी लगेगा और वो तो उसमें क्या है पूरा ख़त्म हो चुका था और आगे भी लग चुका है, दूसरा टेक्नीशियन कंप्लीट कर चुका है, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। उसको पूरा लग गया है, अभी पेट का कवर लग रहा है, ये देखिए दोस्तों पेट का कवर लग रहा है, ये देखिए सब हो चुका है। तो और आगे का प्रोसेस देखते हैं, चलिए। इस साइड का काम हो चुका है, अभी उस साइड का काम होगा, तो हम आपको दिखाएंगे।
दिखाएंगे और प्रॉपरली कैसे पूरा लगा अच्छे से काम करने के लिए सब लगा है। डिश भी पूरा नया है, देखिए पूरा नया सारे प्लेट भी डिश प्लेट भी। अभी इस साइड का काम होगा, हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, काम चल रहा है, हम फाइनल काम होने के बाद हम आपको दिखाएंगे गाड़ी का लुक और ट्राई में जाएंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा गाड़ी पूरा फुल्ली कंप्लीट ही बन गया है और अभी लास्ट जो प्रोसेस है वो टायर लग रहा है, जो टायर खोला गया था डिस पेड लगने के लिए और डिस प्लेट लगने के लिए, अभी ये टायर लग रहा है। कैसे लगाते हैं देखिए, और हम लोग का जितना भी टेक्नीशियन है बहुत ही मेहनत किया आज दिन भर, और अभी शाम का 5:30 हो चुका है, मुझे आज भी हम मतलब घर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आज इतना शाम हो गया तो अभी रात में निकलेंगे नहीं, और डिलीवरी देते देते ये लोग 7 बजा देगा, तो दिन भर काम करने से भी ये लोग नहीं कर पाए कंप्लीट। तो चलिए इसका चक्का लगने के बाद में हम लोग थोड़ा ट्रायल जाएंगे, ट्रायल जाने के बाद में आके इसको वॉशिंग करवाएंगे थोड़ा सा और साफ करवाएंगे, क्लीनिंग करवाएंगे अच्छे से और इसको लेके चलेंगे। लेकिन लेके कहाँ जाएंगे, भुवनेश्वर ही जाएंगे गेस्ट हाउस, और कल सुबह सुबह घर जाएंगे। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अभी इधर का लग चुका देखिए दोस्तों, अभी उस साइड का ये देखिए इस साइड का अभी लग रहा है, और हम लोग जो है गेस्ट हाउस में दोस्तों अपने से खाना बनाते हैं क्योंकि कुक वहाँ है नहीं, तो हम लोग खुद से बनाएंगे और खाएंगे और सुबह सुबह निकल लेंगे, और वीडियो को आज यहीं पे एंड करेंगे वॉशिंग ख़त्म होने के बाद में, या तो क्या बोलते हैं इसको, हम लोग ट्रायल जाने के बाद वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। तो आपको मेरा वीडियो सब कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर से। मेरा गाड़ी का टायर उर लग के सब कंप्लीट हो चुका है और अभी गाड़ी निकलेगा दोस्तों, हम लोग अभी ट्रायल में जाएंगे उसके बाद में वॉशिंग पॉइंट पे लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों गाड़ी मेरा निकल चुका है और हम लोग जाएंगे ट्रायल पे, उसके बाद में आके हम आपको दिखाते हैं वॉशिंग में। हम लोग ट्रायल जाके आ चुके हैं और अच्छा गाड़ी बना है, मस्त लग रहा है, पूरा नया जैसे हो चुका है, और हम लोग वॉशिंग में लगा दिए हैं इसको और अभी वॉशिंग हो रहा है। यही वाला है देखिए गाड़ी मेरा कंप्लीट हो चुका है पूरा, फिर अभी हम ये वॉशिंग होने के बाद में अपना चले जाएंगे भुवनेश्वर, फिर सुबह घर जाएंगे, मतलब रौलकला सुबह जाएंगे। तो मेरा गाड़ी का वॉशिंग होने देते हैं, तब तक के लिए थोड़ा वेट करिए। आप लोग देख लिए मेरा गाड़ी बन के अभी फाइनल वॉशिंग हो रहा है, वॉशिंग होने के बाद में हम जाएंगे घर, लेकिन घर नहीं जाएंगे, मतलब मेरा गेस्ट हाउस जाएंगे और घर नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी भी शाम हो गया, देखिए पूरा शाम हो गया, अंधेरा होने वाला है, और मैं आज भी भुवनेश्वर में मेरे को दिन काटना पड़े, मतलब रात काटना पड़ेगा, कल सुबह निकलेंगे, तो बहुत ही टाइम लग गया। आप लोग देख रहे हैं उधर वॉशिंग हो ही रहा है और काफ़ी टाइम हो गया, और एक तो इशू रह गया, उसके लिए और एक बार आना पड़ेगा मुझे, सनरूफ का काम है और उसके लिए कम से कम नहीं है तो 3 से 4 दिन लगेगा, इसीलिए और एक दिन आएंगे और उसको बनवाएंगे, क्योंकि अभी बहुत 2 दिन हो गया तो और 2-4 दिन रहना और पॉसिबल नहीं है और बहुत काम है, तो इसीलिए गाड़ी लेके जाएंगे, फिर और एक बार आएंगे, फिर वो काम को करवाएंगे। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो मेरा, हम लोग का गाड़ी सर्विसिंग का वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा दबा के और शेयर भी करिएगा, और चैनल में अगर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही कुछ भी वीडियो बनाएं तो आपके पास आते रहें। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।